होप यू हैव एन अमेजिंग डे, दिस इज सीएसपी एंड यू आर वाचिंग वीकेंड सून। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं डोमिनार के अंदर ट्रम्पेट हॉर्न लगाने के लिए। ट्रम्पेट हॉर्न जो कि आधे लोग जानते हैं इस हॉर्न को क्रेटा का हॉर्न के नाम से, तो वही हॉर्न हम लोग हमारी बाइक के अंदर लगाने जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से मोंगसेन मशीन पे, तो आइए चलिए आप भी चलिए हमारे साथ में और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हॉर्न का इंस्टॉलेशन रहेगा। और अगर आपके पास कार हो या फिर कोई भी बाइक हो तो उसके अंदर सेम तरीके का इंस्टॉलेशन रहेगा। तो आइए चलिए आप अभी हम डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं। सो गाइस ये वाले जो ट्रम्पेट हॉर्न है ये हमने चूज किए हुए हैं, लोकल मार्केट से लिए हुए, कोई ब्रांड का नहीं है। वैसे बहुत सारी ब्रांड का आता है लेकिन अभी फाइन चल रहा है ये हॉर्न अगर बाइक में लगाए तो हम कम डेसिबल वाले लगाएंगे। 100 डेसिबल के नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा साउंड का, चालान का कोई टेंशन नहीं रहेगा। दूसरी बात के ये जो हॉर्न है इसे कोई लोग एसेंट वाले हॉर्न कहते हैं या फिर क्रेटा वाले अभी बोलते हैं लोग, तो सेम हॉर्न है ये वाले। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ केबल चाहिए रहेगा, एक रिले चाहिए रहेगा और ये मैंने लिया है वायरिंग अच्छे से करने के लिए, ये पाइप जैसा। और ये एक सॉकेट लिया हुआ है जिससे ये अच्छे से फिट हो जाएगा। बहुत ही इजी वायरिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले तो डोमिनार के लिए हमें जगह ही ढूंढने के लिए दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसमें लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि जैसे हम टर्न मारेंगे तो वो टच हो जाएगा और कंपनी का हॉर्न ये साइड पे आता है। तो अभी हमने क्या किया था, पहले भी लगाया था तो यहाँ पे लगाए थे हमने हॉर्न, तो इस जगह पे हम लोग को हॉर्न सेट करना है। ये पट्टी की आपको ज़रूरत रहेगी, ये पट्टी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी लोकल हार्डवेयर शॉप में। तो हमने ये पट्टी पहले से लगा के रखी है और इसके ऊपर ही हॉर्न हम लोग अटैच करने वाले हैं। बाइक थोड़ा सा गंदा है, इग्नोर कर दीजिएगा, बारिश बिन मौसम के हो रही है तो फिर उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो अभी आपको मैं एक बार इसका जो सीट है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सीट मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, तो जो कनेक्शन करना है एक पावर देना पड़ेगा हमें यहाँ से और एक अर्थिंग देना पड़ेगा। वो जो केबल है वो एक्स्ट्रा उसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ था। तो आइए चलिए अभी फटाफट से मैं पहले जो हॉर्न है उसको पहले लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं हॉर्न लगाऊँगा, इसको जो मैं नीचे की तरफ रखूँगा तो थोड़ा इको ज़्यादा होगा, जो साउंड है साउंड वेव्स नीचे टकराएगी और उसका इको ज़्यादा आएगा तो हमें साउंड भी अच्छा मिलेगा हॉर्न का। तो इसी तरीके से सेम मैं वो साइड पे भी इंस्टॉल कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर वायरिंग ही है, हॉर्न तो एकदम इजीली आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो पहले मैं हॉर्न फिट कर देता हूँ फिर आपको वायरिंग का समझा देता हूँ कि इसका प्लस माइनस कहाँ लगने वाला है। बहुत ही इजी वायरिंग है और आपके पास अगर कार हो या फिर बाइक हो किसी में भी आपको अगर अलग से वायरिंग बना के आपके पास अगर वायरिंग हार्नेस नहीं है तो किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइज इस तरीके का कुछ वायरिंग है, ये एक साइड लगेगा हॉर्न के और ये एक दूसरी साइड लगेगा दूसरे हॉर्न के, और सेम यहाँ पे भी मैंने इस तरीके से इसका किया हुआ है। अभी ये जो है ये हार्नेस का किट है उसका है, देखिए सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। दो यहाँ पे निकले हुए, दो यहाँ पे निकले हुए और ये दो केबल्स निकले हुए प्लस माइनस के। तो ये एक जो है वो पॉजिटिव जाएगा और ये ग्राउंड करना है, अर्थ करना है हमें। तो सेम यहाँ पे मैंने वैसा ही यहाँ पे कनेक्शन निकाला हुआ है। तो ये हॉर्न पे लगेगा, इसमें से एक जाएगा पॉजिटिव के अंदर और ये एक ग्राउंड करेंगे। अभी इसके रिले के अंदर कनेक्शन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो रिले के अंदर कुछ नंबर्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे, ये 87, 30, 86 और 85। तो ये जो 87 है तो 87 के अंदर हमको पॉजिटिव लगाना है हॉर्न का यहाँ पे, और ये जो दो है वो लगेगा हमारा जो बाइक का जो कनेक्शन है, जो बाइक का वायरिंग है जो पुराने हॉर्न के साथ में लगा हुआ है वो यहाँ पे लगेगा। और ये 30 में आएगा, ये बैटरी के अंदर से आएगा, मतलब कि जो वायर हम बैटरी के अंदर पावर दे रहे हैं ये वाला, ये रेड वाला, तो ये रेड वाला रहेगा ये 30 नंबर के अंदर, आपको दिख रहा होगा 30, ये रहा 30 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और आजू बाजू में लगेगा ये हॉर्न के जो केबल्स है वो वाले। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहे, तो एक बार मैं इसका जो कनेक्शन है आपको करके फिर बताता हूँ। तो ये रहा गाइस वायरिंग हो गया है जैसे कि मैंने आपको बोला था रिले के अंदर कैसे करना है, तो सेम मैंने वैसे ही दो जो साइड पे है उसके अंदर ये जो है
ये वाला केबल लगा है जो हॉर्न में से आ रहा है, और ये एक प्लस वाला है जो एक्स्ट्रा मैंने निकाल के रखा था, तो वो रेड वाला जो है वो इधर से इसका प्लस में आ रहा है, ये देखिए, तो वो इधर से ऐसे प्लस के अंदर यहाँ पे लग गया है ऊपर वाले में, और एक जो था वो जा रहा था यहाँ पे, ये रहा पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव वाला है वो नेगेटिव वाला इसके अंदर से जाके यहाँ से ब्लैक कलर का, ये ब्लैक वाला एक नेगेटिव जा रहा है, ये देखिए, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप पॉज करके देख लेना, ये जो इंस्टॉलेशन है मैंने खुला रखा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में मैं ये जो पाइप है, ये पाइप से इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको अंदर फिट कर दूंगा, जिससे ये जो वायरिंग हार्नेस जो आती है आप बाहर से खरीदते हो आफ्टर मार्केट, तो सेम वैसा ही दिखे। तो अभी मैं आपको एक बार हॉर्न बजा के दिखाता हूँ कि कनेक्शन एकदम प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चाबी लगा रहा हूँ और ये रहा हॉर्न। ध्यान रखिएगा कोई भी वायरिंग का एक भी कट खुला नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सिर्फ टेम्पररी लगा के रखा हुआ है। तो आप हॉर्न का साउंड सुनिए, तो कुछ इस तरीके से वायरिंग होगी। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है। अगर आपके पास कार है या फिर बाइक है, अगर आपको सेम इंस्टॉलेशन अगर करना है इसके अंदर, तो आप बहुत ही इजीली आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हो। कुछ ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वायरिंग अच्छे से कीजिएगा। और सो गाइस, यही था आज के वीडियो के लिए। मुझे सिर्फ आपको दिखाना था कि वायरिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से हमें ये हॉर्न फिक्स करने हैं। किसी भी तरीके के हॉर्न है तो इसी तरीके से लगेगा, वायरिंग सेम ही रहेगी सबके अंदर, कार हो या बाइक हो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर किसी को ये हॉर्न लगाना है तो वो देख के ईजिली लगा पाएगा, तो आपको इसको शेयर भी करना है वीडियो को अच्छे से। सो गाइस, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। टिल देन, वेयर प्रॉपर गियर्स, राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।